सीधा कोंडा गांव में रुकने का, क्योंकि कोंडा गांव से सीधा बस्तर जाएंगे। बस्तर राइड के लिए निकले हुए हैं, बस्तर राइड को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे गाइस कांकेर, कांकेर में रुकेंगे और कांकेर से चलेंगे गाइस बस्तर। हेलो गाइस, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल माही ब्लॉग एंड वेलकम बैक और न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में गाइस मैं जा रहा हूँ बस्तर, सारंगढ़ से बस्तर हम लोग जा रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे अपना मनीष भाई देख सकते हो, और यह गाइस अपना सेटअप ड्यूग है और दो दो बैग है। और हम लोग हैं गाइस अभी सतसीवा में, सतसीवा से जाएंगे बिलासपुर, बिलासपुर से रायपुर, रायपुर से कोंडा गांव, और कोंडा गांव से गाइस जाएंगे बस्तर। चलिए गाइस मिलते हैं सीधा सीधा कैमरे में। ऑलराइट गाइस, मैं आ चुका हूँ सीधा सीधा हाईवे में, क्योंकि सिटी में इतना भाई दिमाग ख़राब हो जाता है ना, क्या ही बताऊँ मैं, इसलिए सीधा सीधा मैंने स्विच कर लिया हाईवे में। और भाई सिटी को पार करते करते दिमाग ख़राब हो गया भाई, और यहाँ पे 4 लाइन है तो ऐसा कोई इशू ही नहीं है। यहाँ पे हम क्या है मीडियम रफ्तार में जा सकते हैं दोस्तों। मैंने गाइस शूट किया हुआ था घर से जब बिलासपुर आया, तो लेकिन उसमें क्या हुआ था, मैंने जो एनडी फिल्टर वाला रहता है वो सब सेटिंग ऑन कर लिया था, और एनडी फिल्टर है नहीं मेरे पास, तो एकदम एक्सपोजर वाला वीडियो शूट हो गया था दोस्तों, इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया। और हमारा राइड हो चुका है बिलासपुर से स्टार्ट, हालांकि घर से ही स्टार्ट हुआ है, लेकिन अब टेक्निकली देखा जाए तो अब बिलासपुर से बस्तर ऐसा कुछ हो गया। हम लोग जा रहे हैं गाइस फिलहाल रायपुर, और रायपुर में एक हमारा दोस्त है वहाँ, तो हमारा एक फ्रेंड है वहाँ रहता है, तो उसके पास हम लोग जाएँगे, रुकेंगे और उसके बाद जाएँगे गाइस आगे। तो फिलहाल तो अभी रायपुर जा रहे हैं और देखते हैं आगे का सीन क्या रहता है। गाइस मैंने GoPro का सेटिंग को थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, पहले का जो हो रहा था वो लेंस 2.0 ऐसा कुछ आ रहा था, 0.2 ऐसा करके, तो वो इसलिए गाइस चपटा चपटा आ रहा था थोड़ा अगल बगल, और इस बार ठीक है, और इसी कारण मैं सेटिंग चेंज करते करते चेंज कर डाला था, तो अच्छा सा शूट हुआ नहीं था तो इसीलिए। और ठीक है दोस्तों, और देख रहे हो पूरा भाई ट्रक वगैरह चल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मीडियम करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इधर नॉर्मल ही चलेंगे तब सही रहेगा। और गाइस ये रहा हमारा फर्स्ट टोल गेट, ये रायपुर से बिलासपुर हाईवे में पड़ती है, और हमें तो कोई इशू नहीं है गाइस क्योंकि हम बाइक में हैं। घर से निकले हुए थे घूमने के लिए, घर से बिलासपुर, बिलासपुर से रायपुर, और रायपुर से हो सके तो धमतरी में देखेंगे रुकना है कि नहीं, लेकिन मेरा जहाँ तक मन है गाइस सीधा कोंडा गाँव में रुकने का, क्योंकि कोंडा गाँव से सीधा बस्तर जाएँगे और चित्रकूट जाएँगे गाइस। तो घूमने के लिए आएंगे गाइस, घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, ब्लॉग बनाएंगे गाइस आपके लिए, आपको कुछ नया दिखाएंगे अपने चैनल में, जो कि मैं इतने दिन से घर में था तो घर में घूम लिया, अब थोड़ा सा बाहर घूमने की बारी आ चुकी है, अगर फिर से छांव आ चुकी है गाइस। भाई मौसम इतना चेंज हो रहा है ना, क्या ही बताऊँ मैं, यहाँ पर आराम से मैं 72 में चल रहा हूँ, खाली रास्ता देख के थोड़ा सा और खींच लेंगे, देख सकते हो सामने की ओर अच्छा खासा व्यू दिखाई दे रहा है, कितना दूर तक दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। यहाँ पर हम रुकने वाले गाइस अपने दोस्तों के पास, उसके पास चलते हैं रायपुर में, और उसके पास हो सके तो एक दो दिन रुकेंगे, उसके बाद निकलेंगे, जाएंगे तो अच्छा लगेगा नहीं, और थक जाएंगे जल्दी जल्दी थक जाएंगे गाइस, इसलिए हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करके जाएंगे जबकि रुकने का व्यवस्था है तब। अरे यार देख रहे हो कितना गलत चला रहे बंदा भाई, ऐसा क्या ही बोले अब भाई, इतना गंदा चला रहे है ना। और दोस्तों हम यहाँ पे स्पीड अप करने के लिए रेडी हैं, रास्ता खाली है तो उतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है, खासकर हाईवे है तब। मैं एक बार भी लॉन्ग राइड में गया नहीं हूँ दोस्तों, तो मैं सोच रहा हूँ लॉन्ग राइड करते हैं करके, और इसलिए निकल चुका हूँ। और ये आई थिंक 450 किलोमीटर ऐसा कुछ है, 400 या फिर 500 ऐसा कुछ है, एकदम एग्जैक्ट नहीं पता मेरे घर से, तो लगभग होने वाला है इस 500 किलोमीटर, मान के चलो 500 किलोमीटर, आना और जाना 1000 किलोमीटर हो जाएगा। अब टेक्निकली देखा जाए तो 900 किलोमीटर तो हो ही जाएगा गाइस, जाके हम लोग घूम पाएंगे प्रॉपर, बस्तर को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, खासकर चित्रकूट तो जाएंगे गाइस, मेन पॉइंट तो वही है हमारा, और उसके बाद रायपुर आएंगे तो रायपुर में भी रुक जाएंगे गाइस, एक दो ब्लॉक कर लेंगे यहाँ पे। बस्तर राइड के लिए निकले हुए हैं, बस्तर राइड को कम्प्लीट करेंगे, उसके बाद दूसरा थाट करेंगे, ओवर नहीं करना चाहता गाइस, 80 तक 90 तक भी ठीक है, 90 से ऊपर नहीं जाना चाहता। रायपुर दिखा रहा है गाइस 79, लोग 20 किलोमीटर ही आए हैं, ये रहा अभी 80 किलोमीटर बचा है, और ये रहा मुगेली और रायपुर ऐसा कुछ लिखा हुआ देख सकते हो। तो हम लोग जा रहे हैं इस रायपुर की ओर, तो आई डोंट नो कितना किलोमीटर हो चुका है हमारा किलोमीटर तय कर लिया, हम लोग यहाँ पे 40 किलोमीटर आ चुके हैं भाई, टाइम का पता ही नहीं चला, 12:30 हो गया और यहाँ पे 40 किलोमीटर भी हो चुका है हमारा। दिनों बाद मैं रायपुर आ रहा हूँ, ऐसा हाईवे पर बाइक चलाने को मिलता है तब मज़ा आता है दोस्तों। तो और गाइस यहाँ पे मनीष भाई थोड़ा सा परेशान है, क्योंकि भाई बैक सीट और पिलियन सीट ख़राब है गाइस, तो रियर सीट सही है, हो सके तो मैं बाइक को थोड़ा मोड़ा मॉडिफाई करवा लूँ, लुक जो है अलग आएगा निकल के, तो देखते हैं वहाँ पे सामान अवेलेबल है या नहीं है। ट्रैवल करने का एक मज़ा ही अलग रहता है,
क्या ही ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही है चारों तरफ। और प्लस में ब्रिज था तो ब्रिज से ऊपर में देखने में मज़ा आता है दोस्तों। रिस्क तो है इसीलिए नॉर्मल ही चलेंगे, जितना हो सके हमसे कंट्रोल उतना ही चलेंगे। और भाई मेरे हाथों में वाइब्रेशन फील हो रहा है अच्छा खासा, तो ओवर स्पीडिंग करने से वाइब्रेशन भी फील होता है गाइस। भाई रोड पर भी देखने में अलग मज़ा आ रहा है गाइस, देख रहे हो कितना दूर तक दिखाई दे रहा है। हम लोग यहाँ पे चलते हैं, मनीष भाई यहाँ पे देख सकते हो और मैं तो कैमरे में हेलमेट के अंदर हूँ। तो हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे गाइस, रेस्ट कर लिए थोड़ा और चाय नाश्ता यहाँ पे जो भी हमारा वो वाटर वगैरह पी लिए। तो चले गाइस यहाँ से चलते हैं, और बीच पे रुके हुए थे हम लोग का गाइस यहाँ पे बचा हुआ है 50 किलोमीटर, और 50 किलोमीटर के बाद हम लोग पहुँच जाएँगे। तो अच्छा खासा स्पीड अप करने के बाद यहाँ पे 50 किलोमीटर बचा हुआ है सामान वगैरह ले जाके। और काफ़ी सुंदर सा दृश्य है गाइस, ये देख सकते हो भाई सड़क के बीचों बीच एकदम सुनहरा फूल खिला हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। रेस्ट करेंगे गाइस वहाँ पहुँच के, भाई हालत ख़राब हो गया राइड करते करते। और यहाँ पे लिखा है गाइस 46, जो कि मैंने बोला ही था आपको 46 रायपुर लिखा हुआ है, तो 46 किलोमीटर बचा है गाइस। तो लगभग मेरे ख्याल से 1 घंटे में आराम से पहुँच जाएंगे। मज़ा आ जाता है गाइस ट्रैवल करने में भाई, बट ये है थोड़ा थकावट भी लगता है, काफ़ी दूर का रास्ता होने वाला है। ट्रैवल करते करते कितना हम लोग घूमेंगे देखते हैं। भाई यहाँ पे बैक में पेन होने लग गया मेरा, आने वाला है गाइस पहला मेरा इतना लॉन्ग राइड होने वाला है, खासकर बाइक को लेकर के। तो बाइक को लेकर के मैं तो रायपुर पहुँच गया, और धमतरी कोंडा गांव ही जाना है। मैं सोलो ट्रैवल नहीं कर सकता गाइस अभी, क्योंकि अभी मुझे डर लगता है सोलो ट्रैवल करने में। तो मनीष भाई को मैं साथ लेके आया हूँ, जब तक थोड़ा डर लगने लगा है, डर ख़त्म हो जाएगा तब देखेंगे गाइस सोलो। और यहाँ पे गाइस रायपुर दिखा रहा है 36, तो 36 किलोमीटर बचा हुआ है। तो चलिए गाइस चलते हैं हम लोग। और गाइस तो हम लोग आ चुके हैं गाइस रायपुर, जो कि यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ बोर्ड में लिखा हुआ है, आगे जाएगा भिलाई और ये जाएगा रायपुर शहर, रायपुर सिटी की ओर। तो चलिए गाइस रायपुर तो लगभग आ ही गए, और चलते हैं हमारे फ्रेंड के पास। और इधर थोड़ा ट्रैफिक होने वाला है अच्छा खासा, तो ये एक अलग बात है, आगे धीरे धीरे करके। तो चलिए गाइस चलते हैं आगे भाई के पास, क्योंकि इधर रास्ता कंफर्म याद नहीं है मुझे, बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ, 1 साल हो गया। हम लोग आ चुके हैं सिटी के अंदर, और सिटी के अंदर में भाई ट्रैफिक को पार करते करते हालात ख़राब हो गया, और यहाँ पे आ चुके हैं ओवर ब्रिज में। ओवर ब्रिज को पार करके आई थिंक लेफ्ट जाना है, लेकिन अब देखते हैं कैसे रहता है, क्योंकि भाई यहाँ पे तो समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत दिनों बाद आया हूँ। तो भाई साहब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ जाना है हमें, देख रहे कैसे देख रहे बच्चे लोग, भाई इतना कन्फर्म है मुझे ही देख रहे हैं। दिनों बाद पहुँच चुका हूँ मैं रायपुर, मज़ा आ गया गाइस। इतना ख़तरनाक गर्मी लग रहा है ना गाइस, क्या बताऊँ मैं, देख रहे हो धूप भाई काफ़ी ज़्यादा धूप है, और इस धूप में ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग। तो हो सके तो एक दिन का बेड रेस्ट लेंगे, आराम से घूमेंगे, उसके बाद चलेंगे, क्योंकि भाई यहाँ ट्रैवल करते करते हालत ख़राब हो गई है, उसका रेस्ट करेंगे सब तभी अच्छे तरीके से ट्रैवल कर पाएंगे, और ऐसे ही डेली चलते जाएंगे तो दिक्कत होगा हमारे लिए। गाइस तो हम लोग पहुँच चुके हैं अपने लोकेशन में, और यहाँ का रास्ता खाली है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें जाना था राइट की, तो ये रहा गाइस आ चुके हैं हम लोग। और ये रहा गाइस लोकेशन, जो कि हमारा भाई रहता है यहाँ पे हॉस्टल में। तो बाकी यहाँ पे रुकते हैं गाइस और फ़ोन करते हैं, उसके बाद आएगा भाई। और ये रहा गाइस अपने दोस्त को कॉल करते हैं और देखते हैं कैसा रहता है, क्योंकि भाई अभी फ़ोन में बात कर पाता है कि नहीं कन्फर्म नहीं है। यहाँ तक गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं अपने दोस्त के पास, और आ चुके हैं गाइस रायपुर में प्रॉपर। तो यहाँ पर रुके हुए हैं, जाएंगे और 100 किलोमीटर का सफ़र करके आ जाएंगे बिलासपुर पर रहते, और बाकी की ट्रैवल इधर करेंगे। यहाँ पे पहुँच चुका हूँ गाइस रायपुर में, और रायपुर आते ही मैं यहाँ पे क्लीन सेव कर लिया, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था ब्लॉगिंग करने में, तो इसलिए मैं क्लीन सेव कर लिया। और दिक्कत आती थी गाइस इसलिए मैं सेव कर लिया, ताकि ब्लॉगिंग करने टाइम कोई भी दिक्कत ना हो। और मैं यहाँ आ गया हूँ तो KTM शोरूम एक बार ज़रूर जाऊँगा, वहाँ जाने के बाद मैं पता कर लूँगा कि क्या क्या पार्ट्स मिलने वाले हैं, और आते टाइम मैं मॉडिफिकेशन भी करवाऊँगा गाइस। तो यहाँ रुके हुए हैं दोस्त के पास, और इसके बाद हम लोग चलेंगे गाइस कांकेर, कांकेर में रुकेंगे, और कांकेर से चलेंगे गाइस बस्तर। 100 किलोमीटर का ट्रैवल रहेगा, 100 कांकेर यहाँ से 100 किलोमीटर पड़ेगा, उसके बाद आगे भी बस्तर 100 पड़ेगा। तो ऐसे रुकते हुए चलेंगे गाइस, लाइक करें, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगे। चले गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिस्ट से गुड बाय, टेक केयर दोस्तों।